जीएसटी लागू हुए करीब एक महीना बीत चुका है। अब इस पर अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। हमने अलग अलग फील्ड के नामचीन और जानकार लोगों से जीएसटी के अभी तक के इम्पैक्ट जानने की कोशिश की। इन एक्सपर्ट में देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी बड़ी पहचान रखने वाले चेहरे भी शामिल है। इन चेहरों में न्यूट्रिशियन, एस्ट्रोलॉजिस्ट, देश के जाने माने मोटिवेटर, चार्टेड अकाउंटेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर्स, डाइटिशियन, कई तरह के इसमें अनुभव चेहरे शामिल हैं। इन सबसे अलग अलग जीएसटी इम्पैक्ट और एक महीने बाद के क्या असर है, इन पर उनसे हम चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं देश की इन जानी मानी हस्तियों से। सबसे पहले मिलते हैं पूजा चान्ना टैरो रीडर से। पूजा चान्ना टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट है। इनका अभी तक का जीएसटी अनुभव बता रहा है कि जीएसटी से इनके एक्सपर्ट काफी परेशान है और जीएसटी से जुड़ी परेशानी लेकर इनके पास आ रहे हैं। इनका कहना है कि इनके पास हर तरह के बिजनेस से जुड़े लोग आ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। यदि इनके पर्सनल बिजनेस की बात करें तो जीएसटी की वजह से इनकी क्लाइंट की संख्या काफी बढ़ गई है। मेरे बिजनेस में बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे कि मेरे क्लाइंट्स के बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। काफी सारी रेमेडीज वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो लोग इतने परेशान हो गए हैं कि जीएसटी की वजह से उनका काम बिल्कुल ही ठप हो चुका है। कई उनके ऑर्डर्स हैं जो उनकी शॉप से उठा भी नहीं रहे हैं क्लाइंट्स की, जीएसटी की वजह से वो नहीं उठा पा रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी जानी मानी डाइटिस्ट शिखा शर्मा का अभी तक का जीएसटी अनुभव बेहद अच्छा है। इनका कहना है कि इनके विदेशों में जो क्लाइंट थे उनके लिए जीएसटी बहुत ही अच्छा कदम है। उनके विदेशी कस्टमर्स को अब एक समान टैक्स पे करना पड़ रहा है। अलग अलग टैक्स की कोई समस्या, कोई किसी तरह का झंझट नहीं रहा। जीएसटी लागू होने के बाद अच्छी हुई है चीजें, राइट, बहुत सिस्टमैटिक हुई है। अब जैसे मेरे जो क्लाइंट इंडिया से बाहर है, अब वो जो मुझे पे करते हैं, राइट, तो उनके टैक्सेस मेरे जो एक इक्वल टैक्सेस हो गए हैं, यू नो दे पेइंग मी सेम, मतलब इट्स 28%, राइट, सो से इज पेइंग मी सेम सर्विस टैक्स। मेरे और ऐसे नहीं कि अलग अलग डिडक्शंस हो रहे हैं, जो हाई डिडक्शंस है कि एक्स वाई जेड है, तो बिल्कुल ये सिस्टमैटिक हो गया है। अब मिलिए पुनीत जैन और निशा जैन से। ये वास्तु, न्यूरोलॉजी, कलर, एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और इनका जीएसटी पर अभी तक का अनुभव सुनिए। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, काफी काम में फर्क आ गया है। जैसे जो स्टूडेंट्स थे जो सीखना चाहते थे वो पे नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण हमने अपनी फीसेस बहुत डिक्रीज कर दी हैं। और मतलब जो क्लाइंट्स हैं वो पे नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अभी मैम इतना ले लीजिए, कर लीजिए, तो वो हमारे लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को। और थोड़ा सा ये हमारे को सर्विस सेक्टर में छूट थी पहले, तो उसको इंक्रीज तो कर दिया है गवर्नमेंट ने 20 लाख, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पेचीदा, मतलब हम लोग उलझ चुके हैं कि सीए जैसे जीएसटी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर हम दिल्ली से बाहर कंसल्टेंसी करते हैं 20 लाख तक हमें जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन 20 लाख के अगर हम दिल्ली से बाहर कोई कंसल्टेंसी देते हैं तो उसके अंदर हमें फर्स्ट पॉइंट से ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। और लेकिन वो अभी काफी मैक्सिमम सीए क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो ऐसा होगा या नहीं होगा। एडना रोज देश की जानी मानी न्यूट्रिस्ट और थेरेपिस्ट है। इनका क्या अनुभव जीएसटी में रहा है अभी तक का? इनका कहना है कि इंस्ट्रूमेंट्स में इनके हाइक आ गया है क्योंकि ये खुद के इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करती हैं। इससे इनके बिजनेस पर काफी असर दिखाई दिया है। क्योंकि मैं थेरेपिस्ट भी हूँ, मैंने अभी आपको ये बात बताया था कि मैं थेरेपी अपनी बनाती हूँ जिसमें मैं 13 इंग्रेडिएंट्स मार्केट से डालती हूँ। और ऑफ अ सडन मुझे ये नहीं मालूम कि उन इंग्रेडिएंट्स की जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 20% हाइक आ गया एकदम से। वो चीज़ें मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे पर मिलने पर लगी हैं और मुझे अपने क्लाइंट्स की को उसी रेंज के अंदर थेरेपी देनी पड़ती है, तो मेरा मार्जिन, जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन था, उस पर काफ़ी इफेक्ट हुआ है। नोएडा से इंस्टीट्यूट संचालक अंजलि और एक जानी मानी कंपनी के अधिकारी वीरेंद्र सिंह सगू और देश के जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट का क्या कहना है, से इन दिक्कतों पर काबू पाया जा सकता है, इन्हीं से सुनिए। मेरा थोड़ा देख रहे हैं कि मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं हूँ, तो वो जैसे मुझे एडवाइस करते हैं, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है, कहा है कि मतलब ये हमारे फायदे के लिए हुआ है, तो ज्यादा वही देख रहे हैं। जीएसटी नंबर लेना, उसकी और जो फॉर्मेलिटीज
है वो पूरी करना, वही सारा वही सब देखना। मोटिवेशन भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। जीएसटी को लेकर क्या लोग आए होंगे इस बात से, जीएसटी में परेशान हो गए नंबर को लेकर, दूसरी समस्या को लेकर के, तो कुछ संख्या बढ़ी है या कुछ जीएसटी को लेकर आया आपको पास? सर ये अभी मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, बिकॉज अभी नया आया है ना, तो कुछ लोग परेशान भी है। तो जो लोग परेशान है वो कहते हैं कि हाँ हम थोड़े परेशान है, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि हाँ हमें कुछ हद तक फायदा भी हुआ है। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन है। तो इसका जो असर देखने को मिलेगा या समझने को मिलेगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा जो सबसे बेस्ट और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेल, जो पीने के लिए होता है। उस पर दिल्ली में जो पहले की बात करूं तो उसमें 5% का वैट उसमें लगता था, और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर उसी प्रोडक्ट के ऊपर 16% टैक्स लगता था। तो वहाँ वाले लोगों को थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगता था टैक्स की वजह से, और दिल्ली वालों को बहुत ही कम प्राइस में प्रोडक्ट मिलते थे। और कई देसी ब्रदर ऐसे भी करते थे कि वो अदर स्टेट से आकर दिल्ली में प्रोडक्ट्स परचेज करते थे अपने कंज्यूम करने के लिए। और अब जो जीएसटी आने से क्या हो गया कि ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट का एक ही टैक्स हो गया, तो हर जगह पे एक ही रेट में सब लोगों को सामान मिलेगा। और उसकी वजह से जैसे दिल्ली में बहुत रश होता था प्रोडक्ट परचेज करने में, उसमें भी हमें फायदा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा जीएसटी एक इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, इंडिया जैसी कंट्री के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जब भी हम बात करते थे टैक्सेशन की तो हम देखते थे इतने सारे टैक्स कंप्लाइंस हमें करने होते थे, इतने टैक्स को हमें कंप्लाइंट भी करना होता था, जिससे कि हमारा टाइम और पैसा दोनों लगते थे बिजनेस में। 17 तरह के टैक्सेस को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है जीएसटी में, और उनको सबको सब्स्टिट्यूट करके एक टैक्स बना दिया गया है। इससे बिजनेसमैन को कंप्लाइंस करने में, टैक्स कलेक्ट करने में तथा गवर्नमेंट के रेगुलेशन को पूरा करने में बहुत मदद मिलने वाली है। मैं ये मानता हूँ जीएसटी ना केवल बिजनेसमैन को, कंज्यूमर को, गवर्नमेंट को, सबके लिए फायदेमंद होगा। छोटे व्यापारी हैं उनमें कहीं ना कहीं। उमेश गिरी इंश्योरेंस एडवाइजर और रितु पांडे मेडिकल इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट का क्या कहना है, और एक महीने के जीएसटी अनुभव पर आप इनसे सुनिए। पहली बार तो प्रीमियम में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, सिर्फ 3% अगर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज की बात करें तो 3% इंक्रीमेंट है, तो इतना ज़्यादा कोई इसका इम्पैक्ट पड़ा नहीं है इंश्योरेंस प्रीमियम्स के ऊपर। और यस, जैसे जीएसटी का फ़ायदा ये हुआ है कि जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जो पहले रिटर्न्स वगैरह नहीं फाइल करते थे, वो अब रिटर्न्स फाइल करने लगे हैं, और टैक्स सेविंग के लिए वो इंश्योरेंस को भी एज ए ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा हो रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जीएसटी के आने से जहाँ सिर्फ 30% लोग टैक्स पे करते थे, अभी वो इंक्रीज हो जाएंगे 80-90%। ठीक है, 80-90% अगर लोग टैक्स पे करने लगेंगे तो हमें जो बेसिक नीड्स की रोज़ की ज़रूरत हैं उनका ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब वो कम हो जाएगा तो फिर वो हमें जीएसटी का जो है वो नॉमिनली लगेगा। और अभी भी हम सर्विस टैक्स पे करते हैं, लग्जरी आइटम पे करते ही थे ना, उसके बाद अभी हम थोड़ा सा और जीएसटी पे करेंगे। इससे आप ये देखिए ना, जो 30% करते थे वो 80% लोग करने लगेंगे, तो फिर जो अमाउंट है, जो प्रोडक्ट के अमाउंट है वो नीचे नीचे डाउन होते रहेंगे। देश के जाने माने मोटिवेटर स्पीकर ललित अरोड़ा ने जीएसटी पर चंद मिनट में ही क्या क्या कहा, शायद वो आपको भी मोटिवेट करें। इसमें ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। हम लोग कभी भी किसी नेगेटिव चीज को अपने ऊपर लेने ही नहीं चाहते। हम हर चीज चाहते हैं, हम चाहते हैं सड़कें भी बन जाए, हम चाहते हैं पानी भी पूरा मिले, हम चाहते हैं पाकिस्तान से भी लड़ ले, चाइना से भी लड़ ले, सब कुछ लड़ ले, सब कुछ कर ले, लेकिन हम टैक्स ना दें। तो सवाल जीएसटी का लागू होने या नहीं होने का नहीं है, सवाल ये है कि हम कितने ऑनेस्ट हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम उस समय पर पैदा हुए जब देश आजाद है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब देश गुलाम था तो क्या आप आजादी के लिए नारे लगाते या नहीं लगाते, घर पे बैठे रहते? लगाते। हम में से हर आदमी चाहता है कि यार मैं भी खड़ा होता, कुछ करता, हाँ हमारा खून खोलता है, लेकिन वो जमाना तो नहीं है। लेकिन आज की बात यह है कि आज अगर देश को हमें चलाना है, 27 मुझे जहां तक पता है 27 तरीके के टैक्स थे इधर उधर, और कोई नहीं देता था भाई साहब, कोई नहीं, जहां चले जाओ कच्ची पर्ची पे सामान मिलता था।
हम भी खुश होते थे 4 रुपए मेरे बच रहे हैं, लेकिन मेरे 4 रुपए बच रहे हैं, लेकिन मेरे 4 रुपए की वजह से कल को देश गुलाम हो जाएगा, किसकी जिम्मेदारी है? मैं 4 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं अगर मेरा देश सेफ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मुझे सर जितना समझ में आया वो ये है कि टैक्स की चोरी बंद हो जाएगी, और जिस दिन टैक्स की चोरी बंद हो गई ये सारा पैसा कहां जाएगा? ये सारा पैसा हमारे देश के लिए लगेगा। और क्या था इस पूरे कार्यक्रम का मकसद, ये सब जानिए इस कार्यक्रम के आयोजकों से। वो जनता के साथ रूबरू नहीं करेंगे तो उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीजें नेशनल लेवल पे चेंज हो रही हैं और किस तरह से वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करेंगी। तो मेरा मानना ये है कि जीएसटी के बारे में लोगों को अवेयर करके उनके व्यूज लेकर हमने ये करने की कोशिश की है कि आने वाले समय में, जैसे कि नोटबंदी के टाइम पे हुआ था, लोग परेशान जरूर हुए थे लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज को अडॉप्ट किया है। जो टैक्स लोग नहीं भर रहे थे उस टैक्स को लोग भरेंगे, और जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो पाएगी और एक रेगुलराइज वे में लोगों को टैक्स के बारे में पता चलेगा। उनके साथ मिलकर एक बिजनेस कॉरपोरेट इवेंट रखा जीएसटी के ऊपर, जिसमें कि हमने अलग अलग बिजनेसमैन्स को अपने यहाँ बुलाया और उनके यहाँ पर जो जो डोमेन्स हैं और उन डोमेन्स के अंदर उनको जो जो परेशानियाँ या सहूलियत लगी जीएसटी आने पर उनके व्यूज पूछे, उनको अवगत कराया जीएसटी के साथ। और ज़्यादातर का मानना था कि सब लोग खुश नज़र आए, और कुछ लोग थे जिनको लग रहा था कि अभी उनको जीएसटी के बारे में पूरा मालूम नहीं है, पर आने वाले समय में हमने जो वर्कशॉप्स उनके लिए जीएसटी के लिए ऑर्गेनाइज़ की थी उससे उनको काफ़ी क्लैरिटी हुई कि उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा।